नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिर। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 नवंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता की तिथि बढ़ी, अब 15 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन, विजेताओं को मिलेंगे पुरस्कार। फर्जी हाजिरी पर अब लगेगी रोक, 1 जनवरी से डिजिटल हाजिरी होगी शुरू, अंग्रेजी मीडियम को दिया जाएगा बढ़ावा। भ्रष्टाचारी के दबाव में ना रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें भ्रष्टाचार की शिकायत करें 1064 पर। बिहार में छठ महापर्व की तैयारी जोरों शोरों से, नीतीश कुमार ने किया गंगा घाटों का निरीक्षण, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी साथ में रहे मौजूद। और टीवीसी मोहलियारे लॉन्च, पंकज त्रिपाठी ने की है इसमें एक्टिंग, सीएम मोहन यादव ने की तारीफ। ऐसे बनवाया जन्मदिन सर्टिफिकेट, अप्लाई करने का प्रोसेस बेहद आसान, crsorgi.gov.in पर करें साइनअप। और भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टेस्ट मैच, जडेजा और आर अश्विन की घातक गेंदबाजी, न्यूजीलैंड को मिली 143 रनों की बढ़त। अब खबरें विस्तार से। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने अप्रेंटिस के 100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया बीते 28 अक्टूबर से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 11 नवंबर 2024। इसके लिए जरूरी है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास, ITI की डिग्री हासिल किया हो, आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल की इसमें छूट मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना को भी देख सकते हैं। बिहार पर्यटन विभाग ने मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता की तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। प्रतिभागी अपने प्रखंड के ऐतिहासिक या धार्मिक स्थलों पर लेख लिखकर 15 नवंबर तक भेज सकते हैं। साथ ही 3 फोटो और 30 सेकंड का वीडियो भी अपलोड करना होगा। विजेताओं को ज्यूरी अवार्ड के तहत पहले, दूसरे और तीसरे पुरस्कार के रूप में क्रमशः 50,000, 45,000 और 35,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बिहार पर्यटन एक इन्फ्लुएंसर की नज़र में प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को 60 से 120 सेकंड का वीडियो बनाना है, जिसमें बिहार की संस्कृति, धर्म और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित करना होगा। ध्यान रहे, प्रतिभागियों के पास कम से कम 50,000 सोशल मीडिया फॉलोअर्स होने चाहिए। आज भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा है। बता दें, भाई दूज हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को मनाया जाता है, जिसे यम द्वितीय भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। बता दें, भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त आज दिन में 11:45 से 1:30 तक रहेगा। बता दें, इस दिन कायस्थ समाज द्वारा चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। चित्रगुप्त पूजा का समय सुबह 7:57 से 12:04 तक रहेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने घोषणा की है कि सभी सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के जरिए डिजिटल मोड में हाजिरी ली जाएगी। इस तकनीक के तहत छात्रों के चेहरों की ऑटोमेटिक रीडिंग की जाएगी, जिससे फर्जी हाजिरी पर रोक लगेगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस तकनीक का ट्रायल सफल रहा है और स्कूलों के लिए टैब खरीदे जा रहे हैं, जबकि शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहेगा। इसके अलावा कक्षा 1 में स्थानीय भाषाओं मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली में देने की योजना है, जबकि कक्षा 9 से 12 तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। मार्च तक अतिरिक्त कक्षाओं का भी निर्माण किया जाएगा और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखा जाएगा। बिहार के खगड़िया में जन्मे अभिनेता आलोक नाथ, जिन्हें बॉलीवुड में पिता के किरदारों के लिए जाना जाता है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1982 में फिल्म गांधी से की थी। 140 से अधिक फिल्मों और 15 से ज़्यादा टीवी शो में काम कर चुके आलोक नाथ ने 1987 में कमाग्नि में रोमांटिक सीन दिए, वहीं विनाशक और बोल राधा बोल जैसे फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। सलमान खान के साथ उनकी पहली सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया थी। टीवी शो बुनियाद और रिश्ते में उनके संस्कारी अवतार ने उन्हें दर्शकों के दिलों में विशेष जगह दिलाई। अगर आप भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी शिकायत करना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल कर सकते हैं या कार्यालय के नंबर 0612223263
या हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और इसके बाद लिखित शिकायत करने के लिए कार्यालय के पता निगरानी विभाग सूचना भवन 4 मंजिल बेली रोड पटना 8001 के पते पर भेज सकते हैं। और अगर आपसे कोई घूस मांगता है या पकड़ा जाता है तो दूरभाष संख्या 0612221534 या मोबाइल नंबर 7765953216 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इसकी लिखित शिकायत जो है कार्यालय के पता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार 6 सर्कुलर रोड पटना 8001 पर भेज सकते हैं। ये जानकारी IPRD के जरिए दी गई है। राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाले एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। अपर पुलिस महानिदेशक MR नायक और पुलिस महानिरीक्षक सगरिमा मलिक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड की टीम भाग लेंगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए 6 से 10 वर्ष के बच्चों का चयन किया जाए ताकि राष्ट्रीय गान के समय एक विशेष माहौल तैयार किया जा सके। इधर लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार में तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर के नासरीगंज से लेकर पटना सिटी तक विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने गंगा घाटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री विजय चौधरी, पटना जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। आप बिहार के निवासी हैं और आपकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप RTD से प्रशिक्षण प्राप्त कर एक सफल करियर की नींव रख सकते हैं। बिहार कौशल विकास मिशन की यह अनूठी पहल युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि भर्ती प्रशिक्षण तैनाती RTD में पहले भर्ती की जाती है और फिर आपको संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है और अंत में आपको मिलता है रोजगार। इसमें पंजीकरण करने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा या DEO LEO के कार्यालय में संपर्क कर आप पंजीकरण करवा सकते हैं। किसी तरह की समस्या आने पर आप हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। MP के 69वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MP टूरिज्म द्वारा तैयार किए गए नए TV कमर्शियल मो लियरे का लॉन्च किया। बता दें इसमें बिहार के लाल प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने अदाकारी से इसे जीवंत बनाया है। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने इस मौके पर कहा कि MP अपने मनोहारी स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और ये नया TVC पर्यटकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अब तकनीकी दिक्कतें दूर होंगी। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ने सभी 534 ब्लॉक स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की है। ये विशेषज्ञ अब आंगनबाड़ी केंद्रों की तकनीकी समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। ICDS द्वारा विकसित आंगन नामक ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों को ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। इस ऐप में सेविकाओं की संख्या, उपस्थिति, बच्चों की संख्या, गर्भवती महिलाओं की उपस्थिति और बच्चों की वृद्धि माप जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल हैं। छठ पर्व के अवसर पर रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में कठिनाइयां हो रही हैं। ऐसे में रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन के समय से 1 घंटे पहले प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा रेलवे प्रशासन ने 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा भी की है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचे ताकि वे अपनी ट्रेन आसानी से पकड़ सकें। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे देव सूर्य मंदिर की। बिहार के औरंगाबाद जिले में देव स्थित भगवान सूर्य का पश्चिमाभिमुख सूर्य मंदिर हर साल 4 दिवसीय छठ महापर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र बनता है। कार्तिक माह में 15 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां अर्घ्य देने आते हैं। मान्यता है कि देवताओं की माता अदिति ने इस मंदिर में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जिसके बाद भगवान त्रिदेव के रूप में प्रकट हुए ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर छठ करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस साल छठ व्रतियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद।
राज्य सरकार ने आलू चिप्स बनाने वाली कुफरी चिप्सोना वैरायटी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। 2025-26 में नालंदा, सिवान, सारण, समस्तीपुर और वैशाली जिलों में 49 हेक्टर में आधार बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि गया जिले में 30 हेक्टर में बुआई शुरू हो चुकी है, जबकि नालंदा में भी इस बीज की बुआई चल रही है। 7 जिलों में कुल 150 हेक्टर में कुफरी चिप्सोना 1 का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। किसानों को बीज समय पर उपलब्ध कराने के साथ आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बिहार में 6,570 लेखपाल सह आईटी सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। अब नए सिरे से लेखपालों की बहाली की जाएगी। बता दें कि अब चयन की जिम्मेदारी जो है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को सौंपी जाएगी। पहले ये काम आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा था, लेकिन शिकायतों के चलते एजेंसी को बदल दिया गया है। पंचायती राज विभाग के बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने पहले ही 73,952 अभ्यर्थियों से आवेदन स्वीकार किए थे, जिनमें बीकॉम, एमकॉम या सीए इंटर की योग्यता वाले लोग शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 9 जून थी। अच्छी खबर यह है कि पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी और जो लोग पहले आवेदन नहीं कर पाए हैं उन्हें भी अब आवेदन का अवसर मिलेगा। मार्च 2025 तक चयन पूरा हो जाएगा। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक पहल की शुरुआत की है। बिहार शनिवार को आयोजित होने वाले शिक्षा के बाद कार्यक्रम के तहत 10 चुनिंदा प्रश्नों के जवाब देंगे। पहले दिन बेगूसराय के बिहट सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक रंजन कुमार के प्रश्न ने डॉक्टर सिद्धार्थ को गदगद कर दिया। उन्होंने स्कूल संचालन प्रबंधन को लेकर भिन्न भिन्न कार्यपालक आदेशों की समस्या उठाई, जिसके उत्तर में डॉक्टर सिद्धार्थ ने एकीकृत नियमावली बनाने का आश्वासन दिया। बिहार में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान में न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार 3 नवंबर यानी कि आज से ये तापमान जो है 16 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में धुंध का असर देखने को मिलेगा। हालांकि पूरे राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा, लेकिन सुबह और शाम की अगर हम बात करें तो ठंड का एहसास बढ़ने वाला है। वहीं बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। जन्मदिन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको crsorgi.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर साइन अप करें, यूजर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। आप एक नए पोर्टल पर पहुँच जाएंगे जहाँ रिलीवेंट लिंक पर क्लिक करें। नए पोर्टल पर साइन अप करने के बाद आवश्यक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर दर्ज करें, प्रोसीड करें। OTP वेरिफिकेशन के बाद लॉगिन करें। इसके बाद मोबाइल नंबर और कैप्चा से लॉगिन करके दाएं कोने में 3 लाइन पर क्लिक करके बर्थ ऑप्शन चुनें और रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करें। आवश्यक जानकारी जैसे नाम, स्थान, माता पिता का विवरण और अस्पताल की जानकारी भरें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ₹20 का भुगतान करें। तो इस प्रक्रिया के जरिए आप आसानी से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक का नाम महेश पांडे बताया जा रहा है। इस मामले की जानकारी देते हुए पूर्णिया के SP कार्तिक के शर्मा ने बताया कि सांसद को धमकी मिलने के बाद हाट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। महेश पांडे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल और सिम कार्ड को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। SP शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि महेश पांडे का किसी भी गिरोह से कोई संबंध नहीं है और वे पहले भी बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके। बिहार में BPSC द्वारा शिक्षकों की बहाली को लेकर तेजस्वी यादव ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया है। बीते दिन तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद उनकी अगुवाई में राज्य में 5 लाख नियुक्तियां हुई और विभिन्न विभागों में 3 लाख से अधिक नियुक्तियों का रास्ता तैयार किया गया। तेजस्वी ने हाल ही में हुए प्रधान शिक्षक परीक्षा के परिणामों पर बधाई देते हुए कहा कि यह पहली बार है जब एक दिन में 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने CM नीतीश और मोदी सरकार पर भी कटाक्ष किया। बिहार में आगामी 13 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां इन मिनी विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए जी जान से जुट गई है।
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एंट्री भी होने जा रही है। हालांकि अभी उनका चुनावी कार्यक्रम जो है तय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वे छठ के बाद 9 और 10 नवंबर को चुनाव प्रचार करेंगे। प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वे भाजपा की बी टीम है। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे एक पेशवर चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने अपनी फीस के बारे में भी खुलासा किया, जो किसी भी राजनीतिक दल या नेता को चुनावी सलाह देने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए होती है। किशोर ने यह भी बताया कि उन्होंने 10 राज्यों में सरकार बनाने में मदद की है और ये भी बताना चाहा कि उनके पास चुनाव प्रचार के लिए धन की कोई कमी नहीं। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है और तीसरा टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन भारतीय टीम ने 86 रन पर 4 विकेट खो दिए, लेकिन दूसरे दिन शुभमन गिल की 90 रन और ऋषभ पंत की 60 रन की पारियों से भारत ने कुल 263 रन बनाए। न्यूजीलैंड की पहली पारी 235 रन पर समाप्त हुई। भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्रमशः 4 और 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन कमजोर रहा और उन्होंने 171 रन पर 9 विकेट को खो दिए, जिससे भारत पर अब तक 143 रनों की बढ़त मिल गई। और कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 1948 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। आज ही के दिन सन 1962 में चीन के हमले के मद्देनजर भारत में गोल्ड बॉन्ड स्कीम की घोषणा की गई थी। आज ही के दिन सन 1984 में भारत में सिख विरोधी दंगों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आज ही के दिन सन 2000 में भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिए शुरू की गई थी। आज ही के दिन सन 2006 में भारत बेल्जियम के साथ सामाजिक सुरक्षा गारंटी पर समझौता हुआ था। क्या आपके भी मोबाइल में मैसेज आया है जिसमें आपसे SBI पुरस्कारों को पाने के लिए एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है? बता दें इस तरह के फर्जी मैसेज से आप बिल्कुल ही सावधान रहिए। SBI जो है व्हाट्सएप पर कभी भी लिंक या फिर APK फाइलें नहीं भेजता है। PIB फैक्ट चेक ने भी इसे फर्जी करार दिया है। कभी भी अज्ञात फाइलें डाउनलोड नहीं करें या ऐसे लिंक पर आपको क्लिक करने से बचना चाहिए। या हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत अन्य SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास से होगा, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है श्री हरिकोटा, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है लेह लद्दाख और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा लेह लद्दाख। हाल ही में विवेक देबरॉय का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ऑप्शन ए है पत्रकारिता, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है अभिनय और ऑप्शन डी है गायन। इसका सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र। हाल ही में नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में चिकित्सा जांच कक्ष का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है जयंत चौधरी, ऑप्शन बी अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन सी है नरेंद्र सिंह तोमर और ऑप्शन डी है के राम मोहन नायडू। इसका सही उत्तर होगा के राम मोहन नायडू। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहां के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? ऑप्शन ए है बेतिया, ऑप्शन बी है मोतिहारी, ऑप्शन सी है भागलपुर और ऑप्शन डी है छपरा। इसका सही उत्तर होगा सी भागलपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कौन सा दल एक्टिव था? ऑप्शन ए है पशुराम दल, ऑप्शन बी है सियाराम दल, ऑप्शन सी है महेंद्र गुप्त दल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा बी सियाराम दल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजीव कुमार, राम सागर पासवान, राजकिशोर महतो, विनय कुमार, सोनेलाल यादव, पंकज कुमार दास, राकेश मिश्रा, छोटू राजा, विवेक मिश्रा, पंकज कुमार, विनोद शाह, रोहित कुमार मंडल, राजेश्वर प्रसाद भगत, परमिला कुमारी, नौसाद रजा, रवि कुमार राम, राजीव कुमार, नरेंद्र कुमार, मोतीलाल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, गुनर शर्मा, अनवर करीम खान, अंशु कुमारी, मोहम्मद असलम, रवि शंकर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपने कभी अपने क्षेत्र में होने वाले किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।